नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मेरे पास नया मुर्गा हत्ते लगा है, जहां मैं अपने हाथों की खुजलियां मिटाऊंगा। और इनसे पहले मैंने एक से मिटाई थी खुजली, जो मुंह दुबका रहे अपना। अबे मुंह दिखिए लड़के, जरा राम राम जी, राम राम जी, राम राम। जो इसको नहीं जानते उसको इसकी वीडियो जो देखना, लिंक मेंशन कर दूंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास एक नए मुर्गे आए हैं, फंसे हैं जो। तो खोले चलेंगे भी। हाँ भाई, हाँ। चाबी घुमा पे लेते हैं, ऐसे चला लो, गर्मी बहुत हो रही है। तो छुट्टी कब हो गई? बताइए अपने बारे में कुछ। अपने बारे में? हाँ, तारीफ को छोड़ के क्या बताऊँ। चलो फिर चलें। इनके बारे में बोलने के लिए कुछ ज्यादा खास है नहीं। अरे ये इसलिए क्या करे, पीछे भी देख। अरे होगा अपने घर में। गुड, बहुत बढ़िया उठाई गाड़ी। तो ये रहे हमारे सचिन भाई, इनकी भी पहली वीडियो आ चुकी है, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा कि इन्होंने कार पहले कैसे चलाई थी और कहाँ चलाई थी। आज इनको मैंने दिया है रामनगर ट्रैफिक, उसकी वजह से इनको अभी से पसीने आने लगे हैं। तो इन्होंने कहा भैया प्लीज़ एसी चला दीजिए। तुम गाड़ी सीखना है, एसी की हवा खाना आया हो है? अरे गर्मी हो ही रही है आज। गर्मी, ये जो तुम्हारी गर्मी है ना, दो मिनट में निकल जाएगी अभी। एसी चला दो भाई, से लेफ्ट आराम से मोड़ लें। तो आज है इनका रामनगर ट्रैफिक। रामनगर ट्रैफिक में देखिएगा, और रामनगर ट्रैफिक आज ऐसा हो रहा है बताने लायक नहीं है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए सामने। ठीक है, कहाँ गाड़ी डाल रहा देखो। तो रामनगर ट्रैफिक की ऐसी बुरी स्थिति हो रही है ना, ओहो ये देखो, मतलब टूरिस्ट इतना, दुनिया भर का टूरिस्ट भरा हुआ है इस टाइम पे, दुनिया भर का, कि बता नहीं सकता मैं कितना टूरिस्ट भरा हुआ है। मट्टी पलीत बिल्कुल जिसे बोलते हैं, क्योंकि वेकेशन छुट्टियां हो गई है, लोगों का आवाजामन, लोग अपने घर जा रहे हैं छुट्टियां बिताने के लिए। एक हमारी जिंदगी है, ये हमें मिल रहे हैं। क्यों भाई, कैसा लग रहा है फिर यहाँ पर ट्रैफिक को देख करके? कुछ अभी जब आप पीछे बैठे थे तो कैसा महसूस हुआ था आपको? कुछ हुआ था महसूस कि क्या होगा आपके साथ, अत्याचार? देखते हैं, देखते हैं, देखते ही रहना बस। हाँ सर पे बैठ जाए मेरे भाई, आकर के एक मिनट। फंस चुके हैं देखो जाम में, अभी से ही बहुत जाम है। हॉर्न भी देना इनका, टेम्पो वाले जबरदस्ती भी खड़े हो जाते हैं, भाई एक ही हॉर्न दो और डिस्टेंस ठीक है। सामने वाले वाहन से 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन हम थोड़ा कम कर लेंगे जाम की वजह से ना। तो हम, मैं आपको आज सिखा रहा हूँ बम्पर टू बम्पर चलना। तो कितनी दूरी रखनी है वो डिस्टेंस आपको ये बता देता हूँ। एक तो हमारा वही है कि सामने वाली गाड़ी के टायर दिखने बंद हो जाएं, उतनी दूरी। और जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारा इसका ये नीचे वाला जो रेड लाइट, रेड लाइन थी ये वाली दोस्तों, तो ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, एक जब टेम्पो की ये दिखने बंद हो गई, तब हर गाड़ी का, हर गाड़ी का और आपके जो सामने वाहन है उसका अलग अलग जजमेंट होता है, वो आप उस हिसाब से जब चलाने लगोगे तो आपको आता रहेगा। क्यों भाई? हाँ, तो ये चीज़ देखते रहना है इन चीज़ों को। और ट्रैफिक, तुमने सोचा होगा कि काशीपुर ट्रैफिक में गाड़ी चला ली तो बस सब जगह चला ली है। काशीपुर ट्रैफिक इजी है और यहाँ इजी है? काशीपुर इजी, काशीपुर इजी ना। वो पापा की परी को लग रहा होगा कि उसको गाड़ी चलानी आ गई। जिस दिन मैं रामनगर ट्रैफिक में ले आया ना उसको, उसके पसीने छूट जाएंगे भाई। रामनगर ट्रैफिक इसलिए क्राउड है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बीच में डिवाइडर वगैरह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं दाएँ बाएँ, मतलब जो मर्जी से, कि ये पार्किंग कर ली भाई ने, ये ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसे कट मार रहे हैं, ये ऐसे कट मार के निकलेंगे, मतलब सब, मतलब अपने मन से, जिसका जो मन करे वो करेगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ का ट्रैफिक टफ है। जैसे टेम्पो वाले देखो गाड़ी रोक दी, बस अपने मन से, उधर को भैया कट मार रहे हैं, मारो भाई, यही चल रहा है और कुछ नहीं रखा लाइफ में, तो हम करें भी क्या, तो करें क्या, यहीं से हम लेफ्ट डालेंगे क्योंकि मैंने कुछ लेना है। इंडिकेटर को मोड़ो फुल, हाँ फुल मोड़ो और घुमाओ, बस थोड़ा सा आराम से हल्के चलो और आगे रुकेंगे गाड़ी। तो इस भाई साहब को देखो, पहला दिन था इसका ट्रैफिक का, और ट्रैफिक देते हुए देते मैं इसको नहीं नहीं सीधे निकालेंगे वहाँ से, क्या बोलते हैं अपना सबसे ख़तरनाक SBI वाली लाइन, यहाँ पर घर बना ले मेरे भाई। एक काम कर, देख लो बीच में कैसे गाड़ी रोक करके देख रहा है। फिलहाल देखो दोस्तों, मतलब मैंने कितने दिन हो रहे हैं? दस ग्यारह दिन में ये बहुत बेहतरीन गाड़ी चला रहे हैं, जबरदस्त चल रही है। अरे भाई कूटा ऐसा ही नहीं है मैंने इनको भी, क्यों लेफ्ट भी राइट भी दोनों तरफ बचाना। हाँ यार बिल्कुल मज लेते हुए गजब यार।
कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि मैंने सिखाई आपको गाड़ी राइट मोड़ो, क्योंकि मेन क्या है ना, फुल मोड़ो फुल मोड़ो फुल मोड़ो फुल मोड़ो, मेन क्या है ना, अपने आप को रिलैक्स रहना है। और ये भाई बहुत रिलैक्स है पता है, फुल मोड़ो पूरा घुमाओ, ये बहुत रिलैक्स है, मतलब कोई स्ट्रेस ले नहीं रखा है, आराम से चला रहे हैं गाड़ी। रोक दी क्यों? अभी आप क्या होते हैं ना, जैसे बाइक वाले ना थोड़ा घबरा जाते हैं तो साला गलत होता है। फिर सबसे मेन आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो कभी भी स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है साला, घबराना बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स फ्री माइंड होकर के। जब आपका ब्रेक ओके है, स्टीयरिंग ओके है, तो यार कोई दिक्कत होगी तो दबा लेंगे। हाँ, मज़ा ही आ गया भाई साहब। आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ बचाना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कम लग रहा है ना, भवानीगंज में होगा मट्टी पुलित वाला, तब आएगा मज़े। वाह, तो ये टी पॉइंट है भाई, आराम से लेफ्ट राइट देखते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सबर नहीं मिलेगा, मतलब सबर क्या होगा नहीं कि लोग हमें जाने भी नहीं देंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ों जगहों पर ध्यान देते हुए। वाह, स्टीयरिंग तो बहुत गजब घुमा रहा है यार, बिल्कुल इस फ्लेक्सिबिलिटी बोलते क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है। वाह, मज़ा आ गया। गाड़ी आने वाली है ना आपकी? कब तक आ रही है? अभी पापा को टाइम नहीं है इलेक्शन तक। अरे अब की बार मोदी सरकार नहीं आ गई, मोदी सरकार तो वीडियो भले ही आज शूट हो रही है, अपलोड तो 4 दिन बाद होगी ना, तो सरकार तो बनी गई अपनी, तो टेंशन किस बात की। तो मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री की बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक बस आपने पासिंग लाइट दे देना उसको, जो लेफ्ट वाला था ना, और ज्यादा मजा आ जाता, क्योंकि वो पासिंग लाइट देना बनता था। ठीक है, चलो भाई चलाओ गाड़ी आराम से। बहुत बढ़िया, तो भाई ने बहुत अच्छी कार चलाई है, मतलब बेहतरीन यार, अल्टीमेट यार, मजा आ गया यार। डाउट हो रहा है कि मैंने सिखाई किसने सिखाई, फिलहाल जो भी है। कैसी लगी सचिन भाई की ड्राइविंग कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।